एवरीवन, आई एम हर्षा एंड वेलकम बैक टू द हैप्पी एप्रिल। सो आज जो रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ वो है भरमा भिंडी। बहुत ही सिंपल वे में मैं इसे बनाऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भरमा भिंडी के लिए मैंने यहाँ भिंडी को अच्छे से वॉश कर लिया है और अपर एंड लोअर पार्ट को कट करके बीच में से इस तरह से स्लिट कर लिया है ताकि हम स्टफिंग को इसमें फिल कर सकें। और मैंने लिया है यहाँ बेसन, रिफाइंड ऑयल, मसालों में मैंने यहाँ लिया है धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और अमचूर पाउडर। अब मैं एक पैन को गर्म करके उसमें डाल रही हूँ बेसन। बेसन को हमें ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने के लिए हम इसे 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से चला लेंगे। बेसन रोस्ट हो गया है, अब मैं इसे प्लेट में निकालकर ठंडा कर लूंगी। अब स्टफिंग के लिए मैंने एक प्लेट में लिया है 3 टीस्पून भुना हुआ बेसन, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून ऑयल ताकि स्टफिंग अच्छे से बाइंड हो सके। और सभी मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों की स्टफिंग रेडी है, अब एक एक करके भिंडी को हम स्टफ कर लेंगे। आप स्टफिंग के लिए मसाले भिंडी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही लें। ये देखिए, इस टाइप से हमें भिंडी को स्टफ कर लेना है। वैसे तो भरमा भिंडी में आप प्याज और लहसुन का भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने एक सिंपल तरीके से इसे बनाया है। ये फटाफट बनकर रेडी हो जाती है। अब सेम पैन गर्म करके मैं उसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल। आप मस्टर्ड ऑयल का यूज भी कर सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून अजवाइन और 1 चुटकी हींग। अजवाइन और हींग का टेस्ट भिंडी में काफी अच्छा लगता है। अजवाइन जब रोस्ट हो जाए तो मैं उसमें डाल दूंगी स्टफ की हुई भिंडी। अगर आपकी स्टफिंग का मसाला बच जाता है तो आप इसी टाइम उसे ऐड कर सकते हैं या किसी और सब्जी में भी उसका यूज कर सकते हैं। मैं सारी भिंडी यहाँ डाल दूंगी। अब भिंडी को एक बार मिक्स करके 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढककर कुक कर लेंगे। 3-4 मिनट बाद लिड हटाकर एक बार मिक्स कर लें ताकि भिंडी सारी साइड से अच्छे से सिक जाए। और एक बार फिर से 3-4 मिनट के लिए ढककर कुक कर लेंगे। ये देखिए, अब भिंडी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और मैं उसमें एंड में डाल रही हूँ 1/2 नींबू का रस। और ये देखिए, भिंडी एकदम रेडी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।